इस वक्त इजराइल फिलिस्तीन के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमास के हमले में अब तक 30 इजराइलियों की जान जा चुकी है। इजराइल पर लगातार आतंकी संगठन हमास के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। हमास की तरफ से भारी संख्या में रॉकेट दागे जाने और दक्षिणी इजराइल में उग्रवादियों की घुसपैठ के बाद इजराइल ने शनिवार सुबह युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। बता दें कि आतंकी संगठन हमास ने पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल को निशाना बनाया, जिसकी तैयारी वो काफी वक्त से कर रहा था। हमले को इजरायली खुफिया एजेंसी की बड़ी चूक बताया जा रहा है। कारण, दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंसियां मोसाद और शिनबेट के होते हुए भी हमास द्वारा हमले की प्लानिंग का पता नहीं लग सका। वहीं ये तब हुआ है जब इजराइल के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। इजराइल ने इस भीषण हमले का बदला लेने के इरादे से हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। हवाई हमले दोनों ओर से किए गए। दोनों ही तरफ से 500 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। वीडियो में आपको बताते हैं वो 10 बिंदु जो युद्ध को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाएंगे। सबसे पहला बिंदु है इसमें, हमास के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका देश युद्ध में है और हमास को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, इजराइल के नागरिकों, हम युद्ध में हैं। ये कोई ऑपरेशन और तनाव नहीं बल्कि युद्ध है और हम जीतेंगे। हमास को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहूदियों के त्यौहार के दिन पूरे इजराइल में तेज तर्रार सायरन बजने के साथ ही 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के आसमान में उड़ने लगे। देश के रक्षा बलों ने भी इसे हमास आतंकवादियों की घुसपैठ करार दिया। हमास को एक आतंकवादी गुट माना जाता है। इजराइल के सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि हमले में पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया गया और सड़कों से गुजरने वाली कारों पर गोलियां बरसाई गई। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़कर भारी गलती की है। गैलेंट ने शनिवार को एक बयान में कहा, हमास ने आज सुबह गंभीर गलती की और इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, युद्ध शुरू कर दिया। IDF सैनिक हर मोर्चे पर दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसराइल में भारत दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा, जैसा कि स्थानीय अधिकारियों ने वहां रहने वाले लोगों के लिए सलाह जारी की है। इसराइल के स्थानीय अधिकारियों ने सलाह में कहा, कृपया सावधानी बरतें, गैर जरूरी आवाजाही से बचें और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहें। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों तक पहुंचने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल जारी किया है। इजराइल की सेना ने अपने देश की रक्षा करने का संकल्प लेते हुए कहा, इजराइल रक्षा बल तत्काल युद्ध की घोषणा करता है। गाजा से इजरायली क्षेत्र में बड़े रॉकेट हमले हुए और आतंकवादियों ने अलग अलग एंट्री पॉइंट के जरिए इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की है। हमास के आर्म्स विंग ने ऐलान करते हुए कहा था कि उसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया है और 20 मिनट के पहले हमले में 5000 से अधिक रॉकेट दागे। हमास के उग्रवादी नेता मोहम्मद दीफ ने एक रिकॉर्डेड मैसेज में कहा, हमने ऊपर वाले की मदद से इन सब को खत्म करने का फैसला किया है ताकि दुश्मन समझ सके कि बिना जवाबदेही के लापरवाही का समय खत्म हो चुका है। इजराइल के दक्षिणी और मध्य भागों में कई जगहों पर हमले की सूचना मिलने पर यरूशलेम और पूरे इजराइल के सायरन बजने लगे। सरकार ने नागरिकों को आश्रय स्थलों के पास रहने और गाजा पट्टी के पास रहने वाले घरों के भीतर रहने की अपील की। गाजा सीमा क्षेत्र में उनके घरों से भाग रहे लोगों के भयावह तस्वीरें सामने आई। सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं को कंबल और खाने का सामान लेकर इजराइल की सीमा से दूर जाते देखा गया। साल 2007 में गाजा में हमास की सत्ता संभालने के बाद से इजराइल और फिलिस्तीनी गुट के बीच कई युद्ध हो चुके हैं। नया युद्ध ऐसे समय में हुआ जब इजराइल ने गाजा श्रमिकों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी। इसके बाद तनाव काफी बढ़ गया। इस साल दोनों के बीच अब तक के संघर्ष में 247 फिलिस्तीनी और 22 इजरायली और 2 विदेशी अपनी जान खो चुके हैं। इनमें लड़ाके और नागरिकों दोनों की संख्या शामिल है। इसका अंतिम बिंदु ये रहा कि हमास ने कहा था कि लोगों को व्यवसाय के लिए एक लाइन खींचनी होगी। इजराइल ने फिलिस्तीनी जमीन और खास तौर पर यरूशलेम में अलक्सा के पवित्र स्थल पर अपराध करना जारी रखा। यह कहने के एक दिन बाद ही हिंसा भड़क उठी। बहरहाल, मामले पर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।